बाबा की वो तपों से सजी हुई दरगाह जिनके आगे हम सिर झुकाने आए हैं और आज का दिन एक बड़ा चाहे ये गांव के अंदर है पर यहां आकर के सबसे अच्छा लगा कि ये जो कार्यक्रम है इसको कौमी एकता का रूप दिया जाता है जिसमें से यह नारा लिखता है भारत मां के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत एक धर्म अनेक। मुझे आज यहां पे आके वो बचपन के नारे याद आते। आज हमें दुख आता हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो यही जन्म लिया है यही अपनी रीति रिवाजों के मुताबिक इस मातृभूमि की मिट्टी में समाना है। हम अपना हक जताने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक एबीसी ओबीसी हैदराबाद का मैं नाम नहीं जानता उसका क्या बोलता है। हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं। अगर पंजाब में चार आतंकवादियों ने बेगुनाहों का कत्ल किया जिन्होंने कहा था यहां खालिस्तान बनेगा यहां कोई हिंदू नहीं रहेगा यहां कोई मुसलमान नहीं रहेगा यहां कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा। गोलियां चलाते थे हम उन दीवारों पे नारे लिखा करते थे उधर से गोलियां चलती थी भारत मां के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत एक धर्म अनेक। हम ये नारे लिखते थे और ये लोग ये पूरी कौम और मदद को बदनाम करते हैं। आप में से आवाज उठनी चाहिए और कहना चाहिए हिंदुस्तान हमारा है हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है हमारे बुजुर्गों ने इस मातृभूमि को आजाद कराया है। चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं दिया। अगर कोई दूसरी तरफ से गलती करता है किसी कौम और मदद के बारे में तो हमें हक जमाना चाहिए। हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान है। मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान सरदार हूं मैं इसमें कोई शक नहीं पर मैं गर्व से कहता हूं मेरी सबसे बड़ी पहचान है एक भारतीय। मैं कहता हूं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। हम कहते ही नहीं। बड़े बड़े चैनलों पे बहस होती है हमारे कई मौलाना साहब कई ऐसे बड़े बड़े अच्छे प्रवक्ता आते हैं बड़ा दुख होता है जब उनकी दाढ़ी देखी जाती है उनके सिर के ऊपर उनकी कैप देखी जाती है तो फटाफट शुरू हो जाते हैं ये मुसलमान आ गया धार धार धार। अरे उसके विचार तो सुनो वो कहना क्या चाहता है बोलने नहीं दिया जाता। जब मैं जाता हूं उन लोगों को मौका मिलता है मैं चुप हो जाता हूं मेरे से भी अच्छा बोलते हैं। समस्या खड़ी कर दी कई लोगों ने हमारे हमें कमजोर करने की कई बार कई लोग कोशिश करते हैं। मौलाना साहब देखे शुरू हो जाओ अरे उनके विचारों को तो सुन लो वो कहना क्या चाहते हैं। शुरुआत हो जाती है गंदी राजनीति की शुरुआत जब हो तो जाती बड़े बड़े टेलीविजनों के अंदर। मैं बता देना चाहता हूं सब लोगों को हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो जिसने जन्म लिया है इसी मिट्टी पे समाना है गंदे नारे इधर से या उधर से राजनीति करनी बंद करो। ये लोग तो रोटी कमाते हैं सुबह उठते हैं रात को अपने बच्चों को पालते हैं सो जाते हैं इन्होंने उन चीजों से क्या लेना है इनका उनसे क्या मतलब है। मतलब तो हमारे नेताओं का है हमें तो वोट चाहिए सत्ता चाहिए लोकतंत्र लड़ते लड़ जाए मजहब एक दूसरे से अलग कतलेआम हो जाए हमें तो भाई राजनीति लाखों पे करनी है ये कड़वा सच है। जिस दिन हिंदुस्तान का हर लीडर ये सोच लेगा ये राष्ट्र हम सबका है ये राष्ट्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है ये पाकिस्तान की हिम्मत क्या है कि हमारी तरफ देख ले हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान फिर दिखा दी फिसरत तूने फिर जख्म पुराने मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोच दिया। और मैं दूसरी बात कह दूं पाकिस्तान के हम खिलाफ नहीं है हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो हमारे मुल्कों में लड़ाई कराते हैं। पाकिस्तान का अगर आम आदमी
आप मेरी बहन आप भाई वहां जीता है उसका आपकी तरह मतलब नहीं है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते। पाकिस्तान में एक बार हमारे छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादियों ने सैनिक स्कूल के अंदर उनकी लाशें बिछा दी, हमें पीड़ा हुई, हमें तकलीफ हुई। पाकिस्तान का बच्चा हो या हिंदुस्तान का हो, वो इंसानियत का कत्ल है, हम उसके खाई लड़ी। एक वो अब्दुल हमीद योद्धा, मुसलमान मेरे भाइयों से निकला हुआ वो योद्धा, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 35 की जंग के अंदर, अपने शरीर पे बम बांध करके पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए थे, वो था अब्दुल हमीद। वो था अब्दुल हमीद। क्यों नहीं आप उसका नाम लेते, क्यों नहीं उसके नाम की चर्चा करते? इन योद्धों ने आजादी से पहले, आजादी के बाद इस मातृभूमि की सभाओं की रक्षा करते हुए कुर्बानी दी। कारगिल के युद्ध के अंदर हमारे कई मुसलमान भाई फौजियों ने कुर्बानी और शहादत दी। कुर्बानियों के इतिहास को आगे ले जाने की कोशिश करो। किसान लोग गलत काम करते हैं क्या पूरी मुस्लिम समाज बदनाम कर देंगे? अगर सिख समाज के अंदर 4 लोग आतंकवादी बनते क्या सारी सिख कौम बदनाम हो जाएगी? अगर हिंदू समाज के अंदर 4 लोग गलत काम करेंगे क्या पूरा हिंदुस्तान बदनाम, हिंदू समाज बदनाम हो जाएगा? ये आपको सोचना होगा, आपको उठना होगा, आपको जागना होगा। सेकुलरिज्म क्या चीज है, कौमी एकता क्या चीज है? कहां आज कौमी एकता का नारा देखते हैं? ये गांव में देखा, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा साहब जाओ, गिरजाघर साहब जाओ, सबसे पहले हमारे नेताओं की फोटो देखो, उनको नमस्कार करो, और उसके बाद फिर अजमेर शरीफ जाओ, फिर गुरुद्वारे जाओ, फिर मंदिर जाओ, फिर गिरजाघर जाओ। क्यों? आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले नारे लिखे होते थे हर दीवार के अंदर, हिंदुस्तान के हर कोने में, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब एक हैं, नारे लिखे होते थे। बताओ हिंदुस्तान के किसी कोने में नारा नजर आता? नहीं। हाँ, बॉम्बे पुलिस के नारे जरूर नजर आते हैं। बॉम्बे के अंदर एक हिंदू बच्चे की फोटो होती है, एक सिख की, एक ईसाई की, एक मुसलमान बच्चे की, और लिखा होता है हम सब एक हैं, एकता ही शक्ति है। और हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर कौमी एकता का नारा नहीं दिखाया जाता, यही कहा जाता है के नारे नहीं, अकबरुद्दीन के नारे नहीं। जो अकबरुद्दीन कहता है मुझे हमें आधे घंटे के लिए फौज हटा दो, पुलिस हटा दो, हम इतने हिंदू इतने सिख मार देंगे, इसकी याची की तैसी बर्दाश्त नहीं चीज हो सकती। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। अकबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को मानता था। हमें अकबर बनना है, हमें वो नहीं बनना है जो कहता कत्लेआम कर देंगे। अरे आप वोट बैंक की राजनीति करते हुए हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजे हुए इस भारत को तोड़ने की कोशिश करोगे? तेरी ऐसी की तैसी जब करना मेरे साथ आके बहस कर, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बताता हूं यह भारत आजाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने और आजादी के बाद इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए कितने मुसलमान भाइयों ने शहादत और कुर्बानी दी थी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे में उन मुसलमान भाइयों की बॉडी आई थी। ये ऐसे चलेगा देश? ऐसे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा इन बहनों के सुहागों की रक्षा करनी है, देश चलेगा इन भाइयों की रक्षा करनी है, देश चलेगा हमें सेकुलरिज्म की रक्षा करनी है, देश चलेगा हमें कौमी एकता की रक्षा करनी है। कौमी एकता का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत एक धर्म। और मैं बहुत आभारी हूं आप सबका, शुक्रिया अदा करता हूं पठान साहब आपका, आपने इतनी दूर बुलाया। ये बाबा जी के चरणों में हमने दर्शन करने थे, उनके सिर झुकाना था, हमें उसी ने बुलाया है, उसी के आशीर्वाद से आए हैं। जब भी कभी मौका मिला चरणों में हाजिरी भरते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरकार ने इंसानियत का अपमान किया है, मानवता का अपमान किया है। या तो बुलाते ना, बुलाया था तो आपस में मिला बिठा देते, आपस में बात करा देते, ऊपर फोर्स के लोग खड़े हो जाते। बहुत बड़ा अपमान किया है, इसकी हम सख्त निंदा करते। थैंक यू सो मच। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाए।